हिमाचल को बीपीएल मुक्त प्रदेश बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने कवायद शुरू कर दी है और प्रदेश में बीपीएल परिवारों के चयन प्रक्रिया में काफी फेरबदल करने की योजना है ताकि एक बार बीपीएल रहने वाले पूरी उम्र बीपीएल परिवार नहीं रह सकेंगे और बीपीएल परिवारों को अमीर बनाने का काम किया जाएगा। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर का कहना है कि ज्यादातर बीपीएल परिवार नौकरियों के लिए आरक्षण लेने के लिए बीपीएल में शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि आजीविका मिशन के तहत इस साल 25,000 परिवारों को जोड़ा जाएगा ताकि बीपीएल मुक्त अभियान तेजी से चल सके। उनका कहना है कि आगामी दिनों में ये भी तय किया जाएगा कि बीपीएल परिवार के सदस्य मनरेगा दिहाड़ी लगाना अनिवार्य होगा। कि हम प्रदेश के अंदर 3,82,000 परिवार हैं जो बीपीएल में हैं और हमने ये देखा कि ज्यादातर लोग बीपीएल में इस करके हैं कि नौकरियों में रिजर्वेशन के लिए जो है उसके मार्क्स मिलते हैं, वो वास्तव में गरीब नहीं है। अगर हम गरीब देखें तो बहुत कम लोग ऐसे गरीब हैं, इसका हम कर सकते हैं कि 70-80 हजार लोग हैं, 20 या 22 हजार 25 हजार परिवार बने। 25,000 परिवारों को आजीविका मिशन के साथ हम जोड़ेंगे, इस साल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रीम लाइन पर ला रहे हैं सारी सिस्टम। मैं अपनी पॉलिसी बता रहा हूँ कि हम उनको जोड़ेंगे और कोशिश आने वाले समय में हम ये भी करेंगे कि जो लोग बीपीएल में है वो मनरेगा की दिहाड़ी लगाएंगे। अगर वो दिहाड़ी नहीं लगाएंगे, आजीविका मिशन से नहीं जुड़ेंगे, तो वो बीपीएल में नहीं रहेंगे, क्योंकि एक बार बीपीएल सदा के लिए बीपीएल अब नहीं चलेगा। हम तय करेंगे, टारगेटेड करेंगे कि कितने परिवार हैं, 25,000 परिवार हैं, 30,000 परिवार हैं, हम एक एक साल की योजना बनाएंगे और उनको आजीविका मिशन के साथ जोड़ेंगे। हम गरीब नहीं, हम उनको अमीर बनाना चाहते हैं, उनको अमीर बना करके भारतवर्ष में हिमाचल को बीपीएल मुक्त करेंगे, ये हमने तय किया। गौरतलब है कि प्रदेश के अंदर 3,82,000 परिवार बीपीएल में हैं, लेकिन अब आगामी दिनों में प्रदेश सरकार की बीपीएल परिवार के चयन को लेकर शुरू की गई योजना से केवल पात्र परिवारों को ही बीपीएल में जगह मिल पाएगी।